ओके स्टूडेंट, इसके बाद आता हमारा अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य चार भेद होते हैं। नंबर वन पर हमारा आ गया एक अर्थी शब्द। तीन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, उन्हें हम एक अर्थी शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, चाय, घर आदि। इनका कोई अलग अलग अर्थ तो होता नहीं, एक ही अर्थ होता है, रोटी रोटी रहेगी, चाय चाय रहेगी। इसके बाद आता है हमारा अनेकार्थी। ये आ गया हमारा अनेकार्थी। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अली, अली को, अली का अर्थ क्या हो गया? भवरा, सखी और कोयल। और घन का अर्थ क्या होता है? बादल भी होता है, हथौड़ा भी होता है और अधिक बड़ा भी होता है। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक समान होता है और जो एक ही वस्तु के नाम के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल का क्या कहते हैं? पंकज भी कहते हैं, वारिज भी और अरविंद भी। ऐसे ही आँख को नेत्र, नयन, लोचन और चक्षु कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे विपरीतार्थी शब्द। किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दुख, सुख, सरल, कठिन आदि। नेक्स्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर। शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वह पद बन जाता है और कोई ना कोई व्याकरणिक प्रकार्य करने लगता है। इस आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। जब हम शब्दों से जब क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, और जब कोई एक वाक्य बन जाता है तो उसमें क्या होता है? लिंग, वचन, ये सब कारक, काल, ये सारे उसमें आ जाते हैं। तो जब जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ क्या होता है? ये परिवर्तन हो जाता है। और ये चीज़ें नहीं आती है तो वहाँ परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सबसे इसमें पहले नंबर वन पर क्या है? विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे लड़की का हमने चेंज करके क्या कर दिया? हमने लड़कियाँ कर दिया। तो काल को भी बदला जा सकता है, कारक को भी और लिंग वचन को भी। इसके बाद आते हैं अविकारी। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी में क्या होता है? परिवर्तन हो सकता है। अविकारी में क्या होता है? परिवर्तन नहीं हो सकता। वे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। नंबर वन क्रिया विशेषण, नंबर टू संबंध बोधक, नंबर थ्री समुच्चय बोधक और नंबर फोर विस्मयादि बोधक। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही मैं आपको आपका बुक वर्क दे रही हूँ करने के लिए, उसे आपको अपनी बुक में फिल करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।